अब खबर है बल्लभगढ़ से, जहां महिला थाना खुलने से महिलाओं के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही। अगर यहां महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो महिला पुलिस का वही रवैया होता है जो बल्लभगढ़ के सेक्टर 16 स्थित महिला थाने का है। जी हां, 8 नवंबर को नवादा गांव में एक महिला के साथ उसी के पड़ोसी ने छेड़छाड़ की थी। जब महिला ने इसकी शिकायत बल्लभ स्थित महिला थाने में की तो पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो सब आत्मदह कर लेंगे। क्या घटना हुई? मेरे पड़ोसी है जी, बार बार मेरे घर आ गया जी। एक दिन तो उसने हद पार कर दी और 8 तारीख की शाम की बात है, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्यपाल कृष्ण पाल का मामा है जो राज्यपाल, कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। पुलिस को धमकी दे रहे, बोले हाँ बदली कर दूंगा, हाँ बदली कर दूंगा। पुलिस उठी ना सके जी। मुझे तो, मेरा तो पड़ोस का रहना, मुझे तो बड़ा उसका अब भी हुआ है, कब क्या कर दे। अब तो मैं अकेली, कल की मेरी लड़की भी है, मेरी बहू भी है, हर चीज़ में मुझे दिक्कत है उसकी जी। क्या नाम है उस लड़के का? उसका लीलू नाम है जी, राजपाल उसका नाम है, जो पुलिस नहीं उठने दे रहा। क्या मुकदमा कब दर्ज हुआ था? 8 तारीख को। क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? करीब 11 बजे 8 तारीख की शाम की बात है जी। तो क्या इसके अलावा, महिला सेल के अलावा और आप कहीं किसी बड़े अधिकारी से मिले? और तो जी नहीं गए कहीं। क्या नाम है जी आपका? अभी मेरी बहू की गैल बहुत बुरा हुई है, मेरा लड़का नहीं है, मेरी बहू की गैल बहुत बुरा हुई है। अभी हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा, हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम स्थिति के वहाँ आत्महत्या करके मर जाएंगे। कौन है, किसने वारदात को अंजाम दिया, क्या नाम है उसका? वो जी राजपाल है, कृष्ण पाल का मामा, जिसने आपकी बहू के साथ एक घटना की। क्या नाम है उसका? लीलू है जी। लीलू पड़ोसी है। उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी, होगा जी, सरपंच को दबा आवेगी।